19वीं सदी की बात है, हुगली के किनारे एक बिल्डिंग के बाहर भारी भीड़ लगी थी। लोग अंदर जाने के लिए कतार में लगे थे। गेट पर दरबान उनके टिकट चेक कर रहा था। बंगाल भद्र लोगों का देश था, है भी। नाटक, नृत्य, संगीत, कला की काफ़ी पूछ थी। लोग शेक्सपियर के नाटकों का मंचन देखने जाते, लेकिन उस रोज़ न तो ओथेलो चल रहा था और न ही हैमलेट। जिस बिल्डिंग के आगे भीड़ लगी थी वो हुगली का सेशंस कोर्ट था। अंदर चल रही थी अदालती कार्रवाई, जिसे लेकर लोगों में इतना कौतूहल था कि कोर्ट के बाहर रोज़ भारी भीड़ जमा हो रही थी। बार बार कोर्ट के काम में दखल पड़ रहा था। अंत में सरकार को भीड़ रोकने के लिए टिकट लगाना ही पड़ा। इसके बाद भी भीड़ नहीं रुकी तो एक नियम बना दिया गया, जो अंग्रेजी बोलना पढ़ना जानता हो सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि इस केस में ऐसा था क्या कि लोग टिकट लेने को तैयार थे? तो जवाब ये है कि ये केस था एक लड़की की हत्या का। इल्ज़ाम था पति पर, लेकिन कोर्ट में दो मुजरिम थे, लड़की का पति और तारकेश्वर मंदिर का महंत, जिस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने उस बेचारे आदमी की पत्नी को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ यौन संबंध बना लिए। ये केस तब इतना फेमस हुआ था कि जिस लड़की का खून हुआ उसके नाम की साड़ियां, पान के डिब्बे अगले दो दशक तक बंगाल में बिकते रहे। एक कंपनी ने तो अपने सिरदर्द के बाम का ये कहते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये बाम उस तेल से बना है जिसे महंत ने जेल में निकाला था। तारकेश्वर स्कैंडल के नाम से मशहूर इस केस को बंगाल के इतिहास का सबसे विवादित केस माना जाता है, क्योंकि इस केस में पति ने खुद हत्या की बात कबूली थी, फिर भी उसे रिहा किया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या था तारकेश्वर केस, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। बात 19वीं सदी के बंगाल की है। यहाँ हुगली जिले में एक शिव का मंदिर बना है। तारकेश्वर नाम का यह मंदिर स्थानीय लोगों के अनुसार 1729 में बना। पहले इलाका बंगाल के नवाब के कंट्रोल में था। प्लासी की जंग के कुछ साल बाद 11 अक्टूबर 1760 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसके चलते हुगली का कंट्रोल अंग्रेज के हाथ में आया। 1860 में यहाँ इंडियन पीनल कोड लागू हुआ, IPC, जिसके चलते तारकेश्वर कांड एक बड़े हंगामे का कारण बन गया। ये स्कैंडल इतना फेमस क्यों हुआ, उसके लिए पहले थोड़ा तब की परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1857 में क्रांति हुई। इस क्रांति का एक बड़ा पहलू भारतीय समाज की धार्मिक परंपरा से छेड़छाड़ करना भी था। क्रांति की शुरुआत भी एक धार्मिक कारण के चलते ही हुई थी, तात्कालिक रूप से। एक अफवाह उड़ी थी कि नए कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस कारतूस को बंदूक में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिससे दोनों ही बड़े धर्मों के सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था। इसी बात से नाराज होकर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी थी। 1857 की क्रांति पर काबू पाने के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीय समाज सब सह सकता है, लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों पर हमला नहीं सह सकता। इसीलिए 1860 में जब IPC लागू हुआ तो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को उससे दूर रखा गया। इसके बावजूद एक कानून था जो IPC में शामिल किया गया, सेक्शन 497 यानी अडल्ट्री या व्यभिचार की धारा। इस कानून के तहत किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान था, लेकिन कानून की परिभाषा में पीड़ित स्त्री नहीं थी बल्कि उसका पति था। इस कानून को IPC में शामिल करने का बड़ा कारण था कि तब सबसे ज्यादा मर्डर व्यभिचार के मामलों में ही होते थे, रिपोर्ट होते थे। 1870 से 1875 के बीच क्राइम रिकॉर्ड जांचने पर पता चलता है कि इस दौरान लगभग 20-40% मर्डर के केस जो थे वो व्यभिचार से ही जुड़े हुए थे। इसलिए IPC के नीति निर्माताओं ने सोचा कि एक कानून बनाकर अडल्ट्री के केस में सजा का प्रावधान बना दिया जाए। हालांकि थॉमस मैकाले इसके विरोध में थे। 1857 के बाद खुद ब्रिटेन में अडल्ट्री को क्रिमिनल से बदलकर सिविल बना दिया गया। वहां सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन भारत में सजा का प्रावधान रखा गया। इसका एक कारण और भी था, वो ये कि ब्रिटेन में अडल्ट्री के आधार पर तलाक लिया जा सकता था, लेकिन हिंदू समाज में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसीलिए अडल्ट्री लॉ में अगर कोई विवाहित व्यक्ति किसी अविवाहित स्त्री से संबंध बनाए तो कोई सजा नहीं थी, क्योंकि इस कानून के हिसाब से एक स्त्री अपने आप में कुछ नहीं थी, उसका अस्तित्व शादी के बाद आकार लेता था। शादी के बाद स्त्री पुरुष की प्रॉपर्टी होती थी। अतः व्यभिचार का मामला था कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी में दखल दे रहे हैं। यही बात समाज पर भी लागू होती थी। 1860 में यह कानून लागू हुआ, लेकिन इसका असर दिखने में एक लंबा वक्त लग गया। 1873 में हुए तारकेश्वर स्कैंडल ने इस कानून को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया।
क्या था ये तारकेश्वर स्कैंडल? इसकी ऐसी कहानी कुछ यूं है कि एलोकेशी नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उन दिनों कम उम्र में शादी का रिवाज था और एलोकेशी के पिता भी उसकी शादी समय से कर देना चाहते थे, तब के समय के हिसाब से। तभी उन्हें एक रिश्ते का ऑफर आया। लड़का कुलीन ब्राह्मण परिवार से था और ऊपर से मिलिट्री प्रेस में नौकरी भी करता था। एलोकेशी के पिता ये मौका चूकना नहीं चाहते थे। एलोकेशी की शादी नोबिन चंद्र नाम के शख्स से करा दी गई। शादी के तुरंत बाद नोबिन को नौकरी से बुलावा भी आ गया। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में गांव की लड़की अकेले कैसे रहेगी, ये सोचकर नोबिन ने एलोकेशी को उसके पिता के पास गांव भेज दिया। एलोकेशी का गांव कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर कुरमुल में था। वक्त निकालकर नोबिन एलोकेशी से मिलने आया जाया करता था। जिंदगी बढ़िया चलने लगी, बस एक कमी थी। और कमी कौन सी थी? औलाद की। कई कोशिशों के बाद भी जब औलाद नहीं हुई तो किसी ने एलोकेशी के पिता से कहा कि वो तारकेश्वर मंदिर के महंत को दिखाएं। एलोकेशी को महंत माधव चंद्र गिरी के पास ले जाया गया। इसके बाद महंत ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एलोकेशी को एक औलाद होगी और वो अक्सर उसे अपने पास बुलाने लगा। कुछ दिनों बाद जब नोबिन एलोकेशी से मिलने आया तो उसे कुछ लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि एलोकेशी महंत से मिलने जाती है। इस बात पर एलोकेशी और नोबिन में बहस होने लगी। फिर 27 मई 1873 को खबर आई कि नोबिन ने एक बोटी यानी मछली काटने वाले चाकू से एलोकेशी का सर धड़ से अलग कर दिया। कत्ल करने के बाद नोबिन खुद पुलिस के पास गया और गुनाह का इकरार कर फांसी की सजा मांगने लगा। नोबिन को हुगली सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। मामला साफ था ही, नोबिन ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलना था। लेकिन इस मामले में एक और केस बनता था, धारा 497 यानी अडल्ट्री का। महंत के ऊपर ही मामला था। क्योंकि इस केस में एक महंत का नाम आ रहा था इसलिए केस शुरुआत से ही एक हाई प्रोफाइल केस हुआ। नोबिन का केस लड़ने के लिए सामने आए वोमेश चंद्र बैनर्जी, जो आगे जाकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष भी बने। एक वकील के तौर पर तब पूरे बंगाल में उनका बड़ा नाम था। नोबिन की कहानी सुनकर वो बिना फीस केस लड़ने को तैयार भी हुए, प्रोबोनो बेसिस पे। बड़े वकील इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी कि नोबिन को जब एलोकेशी और महंत के बीच अवैध संबंधों का पता चला तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, आपा खो दिया और आवेश में आकर उसने एलोकेशी की हत्या कर दी। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि एलोकेशी ने मरने से पहले महंत से अपने संबंध कबूल कर लिए थे। नोबिन उसके पिता के घर से दूर ले जाना चाहता था उसे, लेकिन उससे पहले ही एलोकेशी के पिता ने महंत को ये बात बता दी और महंत के गुंडों ने उन्हें गांव छोड़ने दिया नहीं। नोबिन को तब एहसास हुआ कि वो एलोकेशी को अपने साथ ले जा नहीं पाएगा। तब उसने सोचा कि वो एलोकेशी को किसी और के नहीं होने देगा और उसका गला काट कर हत्या कर दी। इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उधर लोगों में नोबिन के प्रति दिन पर दिन हमदर्दी बढ़ रही थी। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जमा होते। तब ज्यूरी कोर्ट होता था, यानी कुछ लोगों का एक पैनल मामले में फैसला करता था। आम ही लोग होते हैं ये। आगे चलकर भारत में सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन यूएस आदि कई देशों में ज्यूरी सिस्टम चलता है। बहरहाल इस मामले में चूंकि ज्यूरी के सदस्य भारतीय थे, उन्होंने नोबिन को बेगुनाह करार दिया। ज्यूरी की नज़र में नोबिन ने वही किया था जो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी करता। ध्यान दीजिए कि ये उस दौर की बात है जब औरत की जान से ज़्यादा उसकी तथा कथित इज्जत ज़्यादा बड़ी होती थी या ज़्यादा अहम होती थी कहेंगे। ज्यूरी ने तो नोबिन को रिहाई दे दी, लेकिन अदालत में मामले की सुनवाई कर रहे जज ने ज्यूरी के फैसले को अस्वीकार करते हुए मामला हाई कोर्ट में भेज दिया। इस फैसले से जनता काफ़ी नाराज थी, क्योंकि उनके अनुसार असली पीड़ित तो नोबिन था जिसकी पत्नी पर किसी दूसरे आदमी ने डोरे डाले थे, हाथ डाला था। दूसरी तरफ इस मामले में एक और केस सेशंस कोर्ट में चल रहा था अडल्ट्री का, जिसमें नोबिन पीड़ित और अपराधी था महंत। लेकिन केस शुरू होता इससे पहले महंत भागकर चंद्रनगर पहुंच गया, जो तब फ्रेंच कब्जे में था और वहां के कानून में अडल्ट्री अपराध नहीं था। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इलाके के एक जमींदार की मदद से महंत को पकड़ा और वापस हुगली लाकर उस पर कार्रवाई चलवाई जूरिस्डिक्शन का, क्योंकि मामला था। कोर्ट की कार्रवाई के बाद महंत को अडल्ट्री का दोषी पाया गया और उसे 3 साल की कैद बामशक्कत और 2,000 रुपये की सज़ा मिली। बहुत बड़ी सज़ा है आप उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो पैसे में। वहीं हाई कोर्ट ने नोबिन को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और अंडमान भेजा। मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन तब तक इस केस की चर्चा पूरे बंगाल में फैल गई थी। अखबारों में हर दिन का ब्यौरा छप रहा था। लोग महंत को सिर्फ 3 साल की सज़ा मिलने से नाराज थे, उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात से थे कि नोबिन जो कि पीड़ित है उसको सज़ा कैसे दी जा सकती है।
जैसे कि पहले बताया, अडल्ट्री का कानून अंग्रेजों का बनाया था, इसलिए उसका महत्व समाज की नज़र में, लोगों की नज़र में कुछ कम था। नोबिन के साथ धोखा हुआ था, इसलिए उसने कत्ल भी कर दिया, तो लोगों को ये बात जायज़ लग रही थी। जल्दी पूरे बंगाल में हस्ताक्षर अभियान शुरू होने लगे। लगभग 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर नोबिन की रिहाई मांग की। 10,000 उस टाइम की जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। सरकार पसोपेश में आ गई, अपने ही बनाए कानून के खिलाफ सरकार एक्शन कैसे लेती। लेकिन अंत में हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि अंग्रेजों को लगा कि ये मामला एक और क्रांति का सबब बन सकता है। 3 साल जेल में काटने के बाद नोबिन को रिहा किया गया। वहीं माधव चंद्र गिरी 3 साल सजा काटने के बाद बाहर आए और दोबारा तारकेश्वर मंदिर के महंत बना दिए गए। चूंकि तारकेश्वर केस में ब्रिटिश सरकार को अपने बनाए कानून से पीछे हटना पड़ा था, इसलिए इस केस ने सरकार को सोचने पर मजबूर किया। ये वो दौर था जब बंगाल में ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं के जरिए हिंदू सुधारों की शुरुआत हो रही थी हिंदू धर्म में। इसके बावजूद आने वाले कई सालों तक सरकार धार्मिक मसलों में दखल देने से बचती ही रही। जहां तक बात अडल्ट्री लॉ की है, तो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस कानून को संविधान के आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समानता के अधिकार, कानून के समक्ष समानता के खिलाफ मानते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने माना कि अडल्ट्री के आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता और इस मामले में कानून सजा नहीं दे सकता। हालांकि इस फैसले से राहत पुरुषों को मिली, क्योंकि इसमें सजा भी उन्हीं को मिलती थी। लेकिन इस फैसले से जो एक जरूरी बात रेखांकित हुई, वो ये कि एक महिला अपने पति की संपत्ति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति है, उसकी अपनी एजेंसी है। इसी के साथ तारिक काज का शानदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।